वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ, मिक्स फीलिंग्स हैं, बिकॉज आज मैं डेंटिस्ट के पास जा रही हूँ मेरे ब्रेसेस लगाने के लिए। कितने सालों के बाद, एक्चुअली बहुत पहले प्लान था बट ड्यू टू सम रीजंस नहीं हो पाया, तो इस बार फाइनली मैं लगाने वाली हूँ ब्रेसेस। सो मैं आपको बताऊंगी कि कैसा रहा मेरा ट्रीटमेंट एंड एक्सपीरियंस, पेन होता है कि नहीं, एंड कौन से डॉक्टर के पास मैं कर रही हूँ, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। क्यों घाटकोपर में मुंबई में, तो वहाँ के ही डॉक्टर हैं, तो उनके पास ही मैं करूँगी, तो वो काफ़ी रीजनेबल रेट में करते हैं। मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, ब्रेकफास्ट नहीं, एक्चुअली बहुत पेट भर के खा लिया है, क्योंकि मुझे पता नहीं ब्रेसेस के बाद मैं खा सकती हूँ कि नहीं, आई डोंट नो एनी थिंग। तो देखते हैं, अभी मैं निकल रही हूँ फटाफट, क्योंकि मेरा अपॉइंटमेंट है 10:45 का एंड मैं 5 मिनट में पहुँचनी चाहिए ऐसा। तो चलो फिर मैं later. Oh, it's feeling awkward to speak. बात करने में तकलीफ होती है। Yes, आदत लगने के बाद it will be problem. Pain ना हो but अजीब। It's like justice का इधर ही। ये देखो, तू ब्रेसेस लगवाई। वाओ, यस, ब्रेसेस लग, अजीब लग रहा है। तू स्माइल मत करना, अजीब लग रहा है। स्माइल मत करना, ये एक्चुअली ब्लॉग में आने वाला है। शी इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल इन ब्रेसेस। थैंक यू। एंड शी विल बी टॉकिंग लेस नाउ। राइट राइट राइट। जब तक मुझे आदत नहीं होती है तब तक तो मैं कम ही बात करूंगी। ऑफ कोर्स, जिस तरह से अभी हम इसका कम सुनेंगे, मिस करेंगे इसके पटक पटक। राइट राइट राइट। बट आई एम वेरी श्योर आफ्टर ये ब्रेसेस निकलने के बाद ये और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। राइट राइट। तो लगती है और एडवांस ब्यूटीफुल। मुझे डॉक्टर भट्ट भी बोल रहे थे जिनसे मैंने ये किया है, वो भी मुझे यही बोल रहे थे कि प्रॉपर अलाइनमेंट के बाद है ना वो अच्छा दिखेगा और ज्यादा। ओके, लेट्स वेट एंड वॉच। यस, एक साल का टाइम दिया। दैट्स इट। हां, वो तो कोरोना में ऐसे ही निकल जाएगा, क्योंकि कोरोना का टाइम तो ऐसे ही निकल। सो बाय द वे, व्हाट आर यू गोइंग टू ईट ऑन लिक्विड्स? लिक्विड एंड सॉफ्ट फूड, no hard food. He's going to eat less, talk less, god knows and all that is going to happen. Anyway, yeah, don't smile less, okay? You bata na, you will be representing the brace wale club. तो बोलो कि क्या बोलते, जिंदगी कैसी रहती है ये बताएगी हमको। मैं बताऊंगी आप लोग, तो प्लीज डू वॉच अ ब्लॉग। थैंक यू। सो गाइस, मैंने ब्रेसेस लगा दिया है, ब्रेसेस लगाया है मेरे डेंटिस्ट ने, एंड बहुत ज़्यादा अजीब है बात करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो ऑब्वियसली अजीब तो रहेगा। बट मेरा एक्सपीरियंस मैं कहना चाहती हूँ कि पेन बिल्कुल भी नहीं हुआ, जब भी लगा रहे थे डॉक्टर्स तभी बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ। स्लाइड पेन, वो भी ठीक है, अभी टीथ पर कर रहे हो तो ऑब्वियसली स्लाइड पेन होना ही है,
बट बाकी सब इसमें पेन बिल्कुल भी नहीं हुआ. एंड मुझे डॉक्टर ने मना किया है हार्ड फूड खाने के लिए, मतलब जो ज़्यादा हार्ड रहता है ना वो फूड मना किया है खाने के लिए का जर्नी. बट मैं पक्का बताऊंगी आप लोगों को कि कैसा लगता है. जैसे जैसे आगे कुछ महीने जाते हैं तो मुझे उससे पता चलेगा कि मेरे कितने टीथ पीछे गए. हम लोगों ने फ़ोटोज़ भी क्लिक किए, वीडियोज़ भी लिए है. आपको ये ब्लॉग में पहले हाफ में पता चल गया रहेगा कि कैसे ट्रीटमेंट हुआ. एंड ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सो जिसको भी करना रहेगा वो कर सकता है. अगर वो लोग मुंबई में रहते तो प्लीज़ ये डॉक्टर के पास विज़िट करना. ये डॉक्टर घाटकोपर में ही है, मुंबई में ही, मुंबई बेस्ड है. तो अगर किसी को भी करना रहेगा ब्रेसिस का या कौन सा भी टीथ प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट, आप यहाँ पर पक्का आना. मैं डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो. वो सही से तुम लोगों को बताएंगे कि ट्रीटमेंट कितना इम्पॉर्टेंट है ब्रेसिस का या फिर कौन से भी टीथ का. तो आप ज़रूर विज़िट कीजिए. कैसे क्या कोई हो सकता है जिसको ब्रेसिस ही पता रहेगा. था वेट अ मिनट, ओ माय गॉड, तुक्का लग गया. अच्छी बात है, अच्छी बात है. बात कर रहे हैं मैं अच्छी प्रॉपर्ली बता नहीं ऊपर वाला ना. हाँ ऊपर वाला. अच्छा एक साल. एक साल वो ठीक है. What the hell? पप्पांनी सांगितलं नाही, मला वाटलं पप्पांनी सांगितलं असेल. आय डिडंट नो. लुकिंग गुड रे. हाउ इज इट? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? मैंने बराबर गेस किया था. ओ माय गॉड, कैसा लग रहा है? अच्छा अच्छा. आप भी तेरे को दोस्त खाने में सिर्फ लिक्विड या फिर सॉफ्ट चीज़ें खा सकती हूँ, तो इसके लिए मैं खा रही हूँ राइस, दही एंड आम. आम खा रही हूँ, ये तीन चीज़ें ही खाऊंगी. लेट्स सी शाम का क्या होता है, बट ये अभी का है. यस, डोंट टेल मी यू आर शूटिंग. यस आई एम शूटिंग. ओह माय गॉड. अच्छा डॉक्टर है. देखो देखो इसके नेल्स देखो. शुभ शो तो फिर मैं अभी ऐसे नहीं कर सकती. देखो नहीं कर सकती, थोड़े दिनों के बाद वो अंदर चले जाएगा, फिर तो ये नहीं कर पाएगी. बक कसे छान ना. ओ माय गॉड, एक है. नाइस नाइस नाइस. हाँ नाइस, चांगले वाटते. नॉट बैड, अच्छा है. डेंटिस्ट कडे किती टाइमासाठी? माझ्या दीदीला पण लावलेलं. पेनफुल आहे ते थोडं, काळजी घे जरा खाताना. मी करते तुला फोन. खा केक खा. बाय. अच्छा कब लगवाया? ये आज. हां आज आज. आज कब? आज 10:45 की अपॉइंटमेंट थी, 11 बजे चालू हो गया काम, 11 से 11:30 तक. तो मैंने इसके लिए बोला था ना कि कॉल मत करना. Thank you.
रीसेंट अपडेट ये है कि मुझे थोड़ा थोड़ा स्लाइटली पेन हो रहा है. ऑब्वियसली होगा ही, ब्रेसेस लगाए, आदत नहीं है तो होगा ही ऑब्वियसली. बस मुझे ये बताना था कि बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो. तो नेक्स्ट ब्लॉग में एक्सपीरियंस भी बताऊँगी मेरा पेन कैसा है. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग. बाय.